मोदी के सिक्योरिटी में चूक को लेकर आज गवर्नर से मिलेगा बीजेपी लीडरान का वफ, पंजाब सरकार की लापरवाही की करेगा शिकायत। मोदी के सिक्योरिटी में चूक को लेकर वजारत दाखिला सख्त, अमित शाह की दो टू, कैसी लापरवाही मंजूर नहीं, तय होगी जवाबदेही। पीएम की सिक्योरिटी में चूक को लेकर वजारत दाखिला ने चन्नी सरकार को लताड़ा, कहा वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दे सकी चन्नी सरकार। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर मरकजी वजारत दाखिला ने चन्नी सरकार से तफसीली रिपोर्ट मांगी, जिम्मेदार अफसरान के नाम भी मांगे, होगी सख्त कार्रवाई। सिक्योरिटी में चूक पर पीएम मोदी का सीएम चन्नी पर तंज, भटिंडा एयरपोर्ट पर अफसरान से कहा अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा लौट सका। पीएम मोदी के फिरोजपुर पहुंचने का रूट लीक किए जाने का इंकशाफ, रूट के बारे में मुजाहिरीन को पहले ही पता चल चुका था। रोड पर जाम लगाने वाले बोले पीएम के रूट के बारे में पहले ही पता चल गया था, स्पीकर से आवाज लगाकर भीड़ बुलाई गई। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रुका रहा पीएम का काफिला, मुजाहिरीन रास्ते में कैसे आ गए। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, फिरोजपुर फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, सीएम चन्नी ने फोन नहीं उठाया। पंजाब के सीएम चन्नी ने दी सफाई, का वजीर आजम का एहतराम करता हूं, पीएम को किसी तरह का खतरा नहीं था, इस मामले में सियासत ना करें। सीएम चन्नी ने कहा मैंने रात को ही किसानों को हटा दिया था, मुझे कॉल आया कि रास्ता क्लियर है, अचानक पीएम का सड़क के रास्ते से प्रोग्राम बन गया। सीएम चन्नी ने कहा मुजाहिरीन पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, पीएम को अगर खतरा होगा तो मैं अपना खून दूंगा। पीएम की सिक्योरिटी में सेंध पर हमलावर हुई बीजेपी, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। स्मृति ईरानी ने कहा पीएम मोदी के रूट की जानकारी किसने की लीक, डीजीपी ने रूट को क्लीन बताया, 20 मिनट तक सिक्योरिटी में सेंध लगाई गई। स्मृति ईरानी ने कहा इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई और कांग्रेस पूछ रही है कि हाउस द जोश, जानबूझ कर भीड़ लगाई गई। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है, वजीर आजम की सिक्योरिटी के साथ मजाक हुआ, पीएम की सिक्योरिटी में ऐसी लापरवाही कभी नहीं हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा लोगों की भीड़ नहीं होने की वजह से रैली रद्द की, कुर्सी खाली देखी तो रैली रद्द कर दी। कांग्रेस तर्जमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा आखिरी वक्त पर पीएम का रूट बदला गया, पीएम का सड़क के रास्ते जाने का प्लान नहीं था, पीएम को हेलीकॉप्टर से जाना था। पीएम की रैली को लेकर झूठ का पर्दाफाश, रैली में भीड़ न होने का फैलाया गया झूठ, रैली मकाम का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। चन्नी सरकार पर कांग्रेस लीडर सुनील जाखड़ का हमला, कहा जो हुआ उसे मंजूर नहीं करेंगे, पंजाबियत के खिलाफ है, चन्नी सरकार चलाने लायक नहीं। पीएम की सिक्योरिटी चूक पर सीएम योगी का बड़ा बयान, मुल्क ऐसी साजिश को कभी माफ नहीं करेगा। पंजाब सरकार पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा का तश्वीशनाक इल्जाम, कहा पीएम की रैली साजिशन रद्द करवाई गई, सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। जेपी नड्डा ने कहा मुजाहिरीन को चन्नी सरकार की शय, पंजाब सरकार का यह रवैया तकलीफ देह है। पंजाब सरकार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला, पंजाब के वजीर दाखिला बर्खास्त हो, पुलिस को सही अहकाम नहीं दिए, पंजाब सरकार फेल साबित। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह का मुतनाजा बयान, का वजीर आजम रैली रद्द होने की वजह से इतने गुस्से में है, पीएम जी एहतराम देने से एहतराम मिलता है। यूथ कांग्रेस सदर का मुतनाजा बयान, पीएम के सिक्योरिटी में चूक पर श्रीनिवास ने किया ट्वीट, पूछा मोदी जी हाउ इज द जोश, पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश, चन्नी सरकार पंजाब में पाकिस्तान की सोच के साथ काम कर रही। सिक्योरिटी में चूक पर बोले एमपी के सीएम शिवराज, ये कौम की सिक्योरिटी से खिलवाड़ है, पंजाब सरकार ने मर्यादा को तार तार किया।
पंजाब बीजेपी सदर अश्विनी शर्मा का बड़ा बयान, कहा पीएम की रैली से डर गई चन्नी सरकार। जेएनके बीजेपी सदर अरविंद रैना का बड़ा इल्जाम, कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम करती है कांग्रेस, सोनिया के इशारे पर पीएम की सिक्योरिटी से खिलवाड़। उत्तराखंड के सीएम नामी ने चन्नी सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने फिर अपनी ऊंची सियासत का तारुफ कराया। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक को हरियाणा के सीएम ने बताया शर्मनाक, मनोहर लाल ने कहा इससे आ रही है कांग्रेस की साजिश की बू। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में सेन को मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने बताया पंजाब सरकार की साजिश, कहा सरकार ले जिम्मेदारी, सीएम चन्नी दे इस्तीफा। पंजाब से लौटने के बाद मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी, मुरली मनोहर जोशी को घर जाकर सालगिरह पर मुबारकबाद। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक पर बोले किसान लीडर राकेश टिकैत, इस बात की जांच जरूरी है कि वापसी सिक्योरिटी में चूक है या फिर किसानों का गुस्सा। यूपी समेत 5 रियासतों में अगले 2 महीने के अंदर होने वाले इंतखाब पर आज फैसला मुमकिन, इंतखाबी कमीशन करेगा वजारते सेहत के साथ अहम मीटिंग। मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर फैसला मुमकिन, इसके बाद इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक यूपी में 6 से 8 मराइल में जबकि पंजाब में 3 मराइल में इंतखाब कराने का मंसूबा। इंतखाबी कमीशन ने 5 रियासतों में इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा, अफसरान को दिए जरूरी अहकाम। यूपी बीजेपी की इंतखाबी कमेटी की का ऐलान, नई कमेटी में सीएम योगी, दोनों वज़रा आला और रियासती सदर को मिली जगह। यूपी के संबल में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी का मुवाजना भिखारी से किया, कहा लॉकडाउन में पब्लिक पुलिस से पिट रही थी, फोन करने पर भी बचाने नहीं आए। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को क्लासिफाइड भिखारी बताया, कहा इंतखाब आया तो अल्लाह के नाम पर मांग रहे हैं। अखिलेश के मुआविन ओपी राजभर का बेतुका बयान, राजभर ने भगवान को जात से जोड़ा, कहा बजरंग बली को दलित। ओपी राजभर ने भगवान श्री राम को बताया क्षत्रिय, भगवान कृष्ण को यदुवंशियों से जोड़ा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का आज रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा का प्रोग्राम, 5,700 करोड़ के मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद। कानपुर में सीएम योगी ने कहा यूपी की तरक्की में मरकज से मिल रही मदद तेजी से आगे बढ़ रही है रियासत। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों में होते थे दंगे, हमने यूपी को किया जराइम से आजाद, दंगाइयों को पहुंचाया जेल। यूपी को मिली 22,000 करोड़ के सड़क मंसूबों की सौगात, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रखा संगे बुनियाद। लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द, 9 जनवरी को होने वाली थी पीएम मोदी की रैली। धनंजय सिंह मामले पर बोले बीजेपी के रियासती सदर, बीजेपी की हुकूमत में जराइम को शय नहीं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा आवाम लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली, आवाम ने झेला है एसपी और बीएसपी का कुशासन। एसपी के तर्जमान अनुराग भदौरिया का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में मुजरिमीन खुलेआम घूम रहे, योगी का बुलडोजर लखीमपुर पर क्यों नहीं चलता। धनंजय सिंह मामले पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, कहा इस मामले की पूरी जांच कराएंगे, कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा से असेंबली इंतखाब लड़ेंगे राजा भैया, अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर लड़ेंगे राजा भैया। राजा भैया की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फेरिस्त, पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी में राजा भैया की पार्टी ने जारी किया अपने इंतखाबी मंशूर, किसानों के लिए किए कई वादे। एमपी में सरकारी और जाती इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त सरकार, इमलाक के नुकसान पर वसूली कानून नाफिज। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक ने कहा कोवैक्सीन के डोज के बाद पेन किलर्स ना दें, इसकी जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में बदउनवान पुलिस वालों पर कसेगा शिकंजा, मुल्क मुखालिफ और बदउनवानी की सरगर्मियों में शामिल।
पुलिस और इंतजामिया की सफाई अमल के तहत 167 पुलिस एहलकारों की फेहरिस्त तैयार, कसूरवार पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह के बाहर पंजाब से आए टीचर्स का धरना, सैलरी में कटौती को लेकर जताई मुखालफत। आईटी की छापेमारी में बड़ा इंकशाफ, जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी के मिले सबूत। यूपी के आगरा में 3 जूता कारोबारियों पर आईटी की रेड टीम को मनु अल्लाह के घर मिला खुफिया लॉक। यूपी के आगरा में इनकोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया का चला बुलडोजर, कई दुकानों को तबाह किया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने गैर कानूनी तमंचा फैक्ट्री का किया इंकशाफ, 1.5 दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी तमंचे बरामद। लखनऊ में चलती कार में लगी खौफनाक आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूद कर बचाई जान। यूपी के शामली में भारतीय किसान यूनियन के कारकुनान का हल्ला बोल, बकाए का भुगतान न होने पर गन्ना ऑफिसर को बनाया यरगमाल। यूपी बीजेपी के इंतखाबी कमेटी का ऐलान, नई कमेटी में सीएम योगी, दोनों उज्राला और रियासती सदर को मिली जगह। गंगोत्री में आज होगा बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा का अख्तितम, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और सीएम धामी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, धनंजय भारती समेत कई लीडरों ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। देहरादून में हिमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए अहाते का अफ्तताह, प्रोग्राम में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, रियासत की तिब्बी खदमात को बढ़ाने पर जारी रहेगा जोर। उत्तराखंड में सफाई मुलाजमीन को सीएम धामी की सौगात, भत्ते को बढ़ाकर किया 500 रुपए फी दिन। ग्वालियर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर मारपीट, दोनों फरीक के करीब 10 लोग हुए जख्मी। एमपी के इंदौर में डीआरआई को की बड़ी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश से आ रहा गांजे से भरा ट्रक सब। मध्य प्रदेश के धार में लाखों की गैर कानूनी शराब बरामद, पुलिस ने 2 मुलजमीन को पकड़ा। एमपी के मुरैना में बेखौफ कानकनी माफिया, पत्थर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर। एमपी के उज्जैन की फाइबर फैक्ट्री में 2 घंटे बाद रोका गया गैस का रिसाव, मेंटेनेंस के दौरान वाल्व फटने से मची थी अफरा तफरी। बारिश में धान भीगने पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, काबीना काउंसिल ने 6 कलेक्टर्स को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश के कटनी में रोड क्रॉस करते दिखा बाघों का झुंड, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है इलाका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेजुबान पर 3rd डिग्री टॉर्चर, नौजवान ने लाठी से डॉग पर किया हमला, सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के मगरबी सिंहभूम में 2 जवानों के कत्ल के मामले पर सियासत, बीजेपी ने कानून निजाम को लेकर सवाल उठाया। बिहार काबिना की बैठक में 6 तजवीज पर लगी मुहर, नए नगर निकाय की तश्कील और 3 नगर निकायों के इलाके में तौसी को मंजूरी। बिहार के कैमूर में नलजल मंसूबे में बरती जा रही लापरवाही, अखिलती फलावजीर ने देहियों की शिकायत पर अफसरान को फोन पर लगाई फटकार। झारखंड के बोकारो में डबल मर्डर से कम नामालूम मुजरिमी ने दुकानदार और उसके साथी का गला रेत कर कत्ल किया। राजस्थान के नागौर में एक वीडियो सीसीटीवी में कैद, बड़ाईली गांव में आसमान से जमीन पर गिरता दिखा आग का गोला। हरियाणा के वजीर दाखला अनिल विज ने किया शाहबाद थाने का जायजा, थाना इंचार्ज समेत 2 पुलिस अहलकारों को किया सस्पेंड। हिमाचल के धर्मशाला में दौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी, सयाही मकामात पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद, बर्फबारी के चलते दर्जनों उड़ानें भी रद्द की गई। जमकर हो रही बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 से 9 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अंदाज। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी, कई इलाकों की सड़कें बंद। कश्मीर में डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी से लोगों की मुसीबत बढ़ी।
पहली बार जनवरी के महीने में भी जो जिला पास खुला, -27 डिग्री में भी श्रीनगर से लद्दाख की जानिब दौड़ रही गाड़ी। उत्तराखंड के केदारनाथ और तुंगनाथ में भी हो रही जमकर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, वॉली क्वारी के पास लगातार बर्फबारी। उत्तराखंड के नैनीताल में भी मौसम ने ली करवट, रिमझिम बारिश से बड़ी ठंड, मौसम महकमे ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी से सटी चांगशील वादी में भारी बर्फबारी, 12 गांवों को जोड़ने वाला चीफ मोटर रास्ता बंद। जिराफ के साथ खातून ने की मस्ती करने की कोशिश, उसके बाद जिराफ ने की शरारत, सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा वीडियो। टेबल पर रखा था खाना, जिसे देखकर भड़क गई डॉग की भूख, डॉग ने बार बार की टेबल से खाना लेने की कोशिश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। घर में बच्चे ने अपने खिलौने के साथ की जबरदस्त एक्सरसाइज, वीडियो देखने वालों ने कहा लगता है इसे बनना है जिमनास्ट। बर्फ के बीचों बीच लड़की और एक भालू की दोस्ती की अजब गजब तस्वीर आई सामने, वीडियो देखकर लोगों ने पूछा क्या ये असली भालू। एक डॉग ने बड़े प्यार से बैठकर कराया अपना हेयर कट, वायरल वीडियो देखकर लोगों ने कहा लगता है इसे स्टाइल में रहना पसंद। सर्दी के मौसम में जैकेट क्या, इस तस्वीर ने सभी को चौंकाया, जैकेट को शख्स ने जब चाकू से काटा तो खुला राज जैकेट निकला केक। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त ने काबिना को बर्खास्त कर दिया और इमरजेंसी लगा दी। तोकायब ने ऐलान किया कि पीएम असगर मामून सरकार का इस्तीफा कबूल कर लिया है और एक्टिंग काबिना को कहा है कि एलपीजी की कीमतों पर प्राइस कंट्रोल वाला पुराना सिस्टम नाफिज किया जाए। सूडान में इस हफ्ते की शुरुआत में वजीर आजम के इस्तीफे के बाद मुल्क में मची उथल पुथल के बीच दारुल हुकूमत खार्तूम और दीगर शहरों में लोग तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग बड़ी तादाद में कोरोना की जांच करवा रहे हैं, ऐसे में टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है।